बेटियों के मामा भाई, तो बहनों के भैया भाई के नहीं भाई। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है, उनके खाते में हर महीना 1,000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। सीएम लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहले से ही घोषणा की जा चुकी है कि समय समय पर लाडली बहना योजना किश्त में बढ़ोतरी की जाएगी और इस तरह महिलाओं को ज्यादा पैसा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और किश्त की राशि को 25% तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत पहले महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक किश्त सरकार देती थी, लेकिन अब महिलाओं को 1,000 की जगह 1,250 रुपए की मासिक किश्त दी जाएगी। किश्त की राशि में समय समय पर बढ़ोतरी का सरकार ने जो वादा किया था, उसका लाभ अब महिलाओं को मिलने वाला है। सीएम लाडली बहना योजना में महिलाओं को पहले हर महीने 1,000 रुपए का भुगतान किया जाता था। यह भुगतान महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कर दिया जाता था, ताकि विवाहित महिलाएं इन पैसों का खुद के लिए और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए उपयोग में ले सकें। गौरतलब है कि देश में शादी के बाद महिलाएं कई बार काम नहीं कर पाती और आर्थिक रूप से वंचित रह जाती है। सरकार इस सहायता राशि की मदद से इन महिलाओं के जीवन को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्वावलंबन को बल मिलेगा। सीएम लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को अब 25% राशि बढ़ाकर दी जाएगी, यानी जो महिलाएं पहले 1,000 रुपए मासिक लाभ ले रही थी, अब हर महीने की 10 तारीख को 1,250 रुपए मासिक किश्त सरकार की ओर से दिए जाएंगे। यह किश्त अब अक्टूबर महीने से मिलने शुरू होंगे। लाडली बहना योजना जो शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसका क्रियान्वयन देवास जिले में बहुत अच्छे से हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना के नोडल अधिकारी हैं। उनके द्वारा लगभग 3 लाख बहनों का पंजीयन किया गया और सफलतापूर्वक उनके खाते में शुरुआत में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए। शुरुआत में कुछ समस्याएं आई थी, जिसमें DBT लिंकेज के इश्यूज आ रहे थे, बट लगातार प्रयास कर, बैंकों के साथ समन्वय कर, उन सभी इश्यूज को रिजॉल्व किया गया और वर्तमान में देवास में कोई भी मेजर इशू नहीं है इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। और अब जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, महिलाओं को 1,250 रुपये राशि का ट्रांसफ़र किया जाएगा।